हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। आइए देखिए मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारा फूल खिला। इससे पहले एक फ्लावर और इसमें आए थे, अब ये दूसरा है रेन लिली। मैंने रेन लिली प्लांट फर्स्ट बार अपने गार्डन में ऐड की हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है ये, और इसके फूल 2 दिन रुकते हैं। आज खिला है तो आज पूरा दिन रहेगा और कल 2 दिन, तीसरे दिन फिर मुरझाने लग जाता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी से मुझे कुछ शेयर करनी है। मेरे गार्डन में एक नया मेहमान खुद ब खुद आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, ये है अलमांडा। ये अलमांडा में मेरे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें इसके लिए? आप सभी कुछ इसका बताइए उपाय, इस पर क्या करना चाहिए फूल आने के लिए। मैंने फर्टिलाइज़र भी देखी, इसकी प्रूनिंग भी की, उसके बाद भी इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे। ये जेट प्लांट, ये विश्कश, यूका प्लांट है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में गमले में कोई भी अचानक से कोई पौधा निकल जाता है तो उसे घास फूस समझ करके न फेंकें। बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट भी हो सकता है वो। मेरे गार्डन में मेरे गमले में खुद ही उगा है, बहुत ही प्यारा फूल खिलने वाला। एक बेल, जिसमें कि फ्लावर्स बहुत खूब सुंदर आती है और उसके बेल भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है, इस तरीके से फर्न जैसी। तो उसको अपने गार्डन में, अपने गमले में अगर निकल जाता है तो बिल्कुल उखाड़ कर ना फेंकें, उसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिए, फिर एक नई बेल और तैयार हो जाएगी, फूलों वाली बेल जिसमें फ्लावर्स आते हैं बहुत छोटे छोटे प्यारे से, और कलर भी उसका बहुत प्यारा होता है। तो मेरे गमले में भी इसी तरीके से एक प्लांट निकल आया है, बहुत ही प्यारा। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है फ्रेंड्स जब मेरे गमले में प्लांट निकला है, और ये एक दो बार तो मेरा चला भी, लेकिन तीसरी बार फिर ये चली जाती हूँ घर पे से छोड़ करके 2-3 दिन के लिए, तो सूख जाता है। ये है देखिए, साइप्रस की ये वैरायटी है, बेल है ये, बहुत प्यारे फूल इसमें आते हैं, और ये खुद ब खुद गमलों में कभी कभी निकल आता है। जब कोई पॉट में जब हम प्लांट खरीद के लाते हैं उसमें भी, या फिर घर में भी जो पॉट में प्लांट लगा हुआ होता है उसमें भी, तो जब ये प्लांट छोटा रहता है तो इसे घास फूस समझ के भी हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन ये बेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे गार्डन में। अगर है तो खूबसूरत तो दिखेगा ही, इसमें फूल भी बहुत प्यारे खिलेंगे। और साथ में ये गुड लक प्लांट है, लकी बेल, और इसके नाम से, इसका नाम है, बहुत सारे नाम हैं इसके, इसके नाम लक्ष्मण बूटी कोई बोलते हैं इसे। एक साइप्रस बेल तो है ही, और इसे लक्ष्मण बूटी, और इसे बोलते हैं चिरी मिरी। मेरी एक फ्रेंड है वो बता रही थी इसका नाम चिरी मिरी भी इसे बोलते हैं, और फिर इसका और भी नाम है फ्रेंड्स, इसे बहुत सारे नामों से इसे बोला जाता है। लक्ष्मी गणेश बेल भी इसे बोलते हैं, गणेश जी का ये बेल। तो सोचिए कि कितना शुभ, कितना हमारे घर के लिए लकी प्लांट है ये। तो ये जब अपने गमले में निकल जाता है तो इसे बिल्कुल ना फेंकें, दूसरे पॉट में शिफ्ट करके इसे नई बेल तैयार कर लें। और इसमें फ्लावर्स इसके बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और उन्हीं फूलों से फिर ये प्लांट उगता है, और इसके साथ जब ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं फिर झड़ के जब फूल नीचे गिरता है तो बहुत सारे पौधे भी उग जाते हैं। तो इस बेल को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें कलर्स भी अलग अलग होता है, इस प्लांट में कौन से कलर के फ्लावर्स आएंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फूल आने के बाद फिर मैं शेयर करूंगी आपके साथ। देखिए, अब इसे मुझे रिपोर्ट करना है। अभी तो इसे गमले से निकाल करके इसमें लगाई थी, बहुत छोटा पॉट है ये, ये छोटे इस पॉट में भी चल जाएगा और फ्लावर्स भी आएंगे, लेकिन मुझे पौधा थोड़ा बड़ा करना है तो इसे थोड़ा बड़ा पॉट दूंगी इसे। और इसमें फ्लावर्स किस कलर के आएंगे फ्रेंड, ये अभी नहीं, बाद में ही शेयर कर पाऊंगी जब इसमें फ्लावर्स आएंगे। वैसे ये 3 कलर में आता है, पिंक, रेड, वाइट, ये 3 कलर में आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।
आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।